काम करो ठीक है जी। हम लोग ब्रशेस को थोड़ा देख रहे थे इसमें, और देखते हैं आगे ब्रशेस। इसमें आपके पास और भी टूल्स हैं ये वाले? अभी जी स्फेयर को ही नहीं करेगा, जी स्फेयर का ये टेक्निक अलग है, डिफरेंट है। तो फिलहाल अभी आप स्फेयर को ही इसमें आप प्लेनर वगैरह पे चेक कर सकते हैं इन चीजों को, ऐसे एडिट अगेन लाइक पॉली 3D, ठीक है, और ना ब्रशेस। तो ब्रशेस में ये देखें, जैसे एक और ब्रश है जैसे चैसल 3D। तो चैसल 3D में आप देखेंगे ये सब चीजें आती हैं, जैसे मेरे को ये नाक है, मेरे को नाक लगानी है इसको, ये नाक लग गई, ठीक है। अब बोलेंगे ये कैसी नाक है, वो इसलिए क्योंकि मेश बहुत कम है। तो कंट्रोल डी से मैं बढ़ा देता हूँ इसका मेश। तो अब मैं सेंटर पर आता हूँ, अब मैं करूंगा तो अभी भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसमें दो कर्सर चल रहे हैं मिरर वाले। अब एक कर दिया मैंने, एक्स दोबारा हिट कर दिया, एक बन गया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसमें नाक लग गई बड़ी सी, देख रहे नजर आ रही है नोज, ठीक है। तो ये बने बनाए नोज आईज माउथ, जल्दी आ जाए यार, ठीक है। ईयर है ये देख रहे हैं ईयर, अगर मैं एक्स यहाँ पर करता हूँ, और ये देख रहे हैं यहाँ पर ईयर, ये ईयर है, ठीक है ना, कान जो एलियंस के होते हैं जैसे, देख रहे हैं। तो मैंने ईयर बना रही है, और आईज बना रही है, तो मैं आईज बना सकता हूँ यहाँ पर, देखेंगे हेयर, ये आईज बन गई, देख रहे हैं। तो ये बड़ा मस्ती वाला ब्रश है, बड़ा मस्ती वस्ती करो इससे, क्योंकि अभी आपको ब्रशेस को थोड़ा समझना है, तो उनको समझो हेयर। तो कंट्रोल डी करूँगा और स्मूथ हो जाता है, और कंट्रोल डी पहले कर लीजिए, उसके बाद बनाए तो और ज़्यादा क्वालिफाइड होकर आता है, देख रहे हैं। तो डिपेंड करता है आपके स्वर, आपको पोर्स का पता होना चाहिए, पोर्स कहाँ होते हैं उसके हिसाब से आपको बनाना है उसे, ठीक है ना। फिर तो घुमाए उसे और आइस को बना सकते हैं। आइस उसके बाद अगेन नोज वगैरह है, जैसे ये देखो ये पिगी नोज, एक्स अब ऑफ कर देंगे, नाक तो एक ही होती है ना। ठीक है ना, और उसके बाद इसमें लिप्स भी होते हैं, आप लिप्स तक का काम कर सकते हैं, देखो ये नोजेस है सारे, देखें अलग अलग नोजेस, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें माउथ का सिर्फ एक ही है, एक वाइड ओपन माउथ होगा, मतलब एक ही रहा, बस ये दो ही है, वाइड ओपन माउथ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक कैरेक्टर मैंने ऐसे बना दिया इसमें, और आप चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने ब्रश कर दिया यहाँ पर, आपने क्ले बिल्ड किया क्ले, अब मैं एक्स ऑन कर रहा हूँ इसमें, तो थोड़े से आप फीचर्स और दिखा सकते हैं इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर हल्का सा ये ब्रश पार्क किया है, और इसे आप शिफ्ट के साथ स्मूथ कर देते हैं। देखो जहां पर आप एड ऑन लेयर बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, ठीक है ना, शिफ्ट डी नीचे आना पड़ेगा, तभी वो स्मूथ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आपने एक बार हार्ड कर दिया उसको, तो वो स्मूथ नहीं करेगा। तो अब देख रहे हैं मैंने ऐसे बना दिया इस पे, अब मैं ऑल्ट की दबाऊंगा तो यहाँ मैं इस पे गड्ढा कर सकता हूँ, देख रहे हैं हम जरा समझ रहे हैं इन चीजों को, और ये देख रहे हैं लाइक दिस, और शिफ्ट के साथ मैं ऐसे स्मूथ कर सकता हूँ, देख रहे हैं स्मूथ हो गया। फिर आपको मैंने एक और बताया था इसमें, दैट इज अ क्ले, क्ले पाइल अप करता है, देखा हेयर पाइल अप पाइल अप पाइल अप पाइल अप पाइल अप। उसके थोड़े से चीक्स को मैं बना रहा हूँ यहाँ पर पाइल अप, तो इंटेंसिटी बढ़ा लें थोड़ा सा ज्यादा आपको मिलेगा पाइल अप। अगेन स्मूथ कीजिए, सर स्मूथ वैसे स्मूथ किया है, ठीक है। तो आप ऐसे चेंजेस कर सकते हैं इसमें, फिर अगेन क्ले बिल्डअप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएंगे इसमें, फिर स्मूथ किया ऐसे आ जाएंगे, इसका फोरहेड थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ किया, फिर थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे किया, मार्क किया, मार्क किया, फिर इसे स्मूथ किया, स्मूथ स्मूथ। अब कंट्रोल डी करेंगे, अब ये कह रहा है कि आप एक स्टेप नीचे
ऊपर आने के बाद एक बार नीचे उतरे हैं। अब आपको ऊपर जाना है तो आपको क्या करना, जो भी आपने किया है वो आपका करंट होना चाहिए। अब आपका तो आप क्या करेंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे तो डिलीट लोअर कर देता हूँ ना, दिस इज माई हायर वर्जन, कंट्रोल डी करूंगा, कह रहा है कि अब जो आपका डिलीट हायर है उसको भी आप रिमूव कीजिए। मैंने अब सब हटा दिया है, अब ये मेरा लोअर बन गया, लोअर जहां से मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप सरप्लस और आगे कर सकते हैं, कंट्रोल डी, तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ जाता है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। खैर, थोड़ा सा आप ब्रशेस पे ऐसे काम करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या चीजें हैं। इसको मैं शार्प कर सकता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं काफी राउंडेड या ऐसी चीजें हैं, तो आप इसे पॉलिश कर सकते हैं। आपके पास दो चीजें आती है, ट्रिम अडेप्टिव है और ट्रिम डायनेमिक है। ट्रिम अडेप्टिव और ट्रिम डायनेमिक में क्या है देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूँ। तो आप देखेंगे मैंने जैसे इस पर ट्रिम अडाप्टिव किया, तो आप देख रहे हैं कि जैसा उसका फीचर होता है, जैसे उसकी बनावट कटआउट होता है, नीचे का जो ग्रूव होता है वो उसी हिसाब से उसे काट देगा। देख रहे हैं, अडेप्ट कर लेता है उसको। फिर होता है कि इसमें ट्रिम डायनामिक, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। अब ट्रिम डायनामिक क्या है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर करेगा जितना ब्रश है, जितना ब्रश बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वो ग्रूव को नहीं देखेगा, वो ग्रुप बन, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप बन गया इसके चेकबोर्ड के और यहाँ पर। तो अगर आप इसमें अडाप्टिव यूज करते हैं, ट्रिम अडाप्टिव रहा, तो वो ग्रुप के अनुसार वो बना देता है, समझ रहे हो, जैसा उस पर वेरिएशन आ रही है, ऊपर नीचे जा रहा है सरफेस, उसी के हिसाब से वो कटआउट बना देगा। ये देखो कटआउट बना देगा, कट कर देगा। ठीक है, बट जो आपका डायनामिक है, डायनामिक आपका जो है सरफेस के हिसाब से करेगा, अगर कट के हिसाब से नहीं करेगा, जहां आप ब्रश कर रहे हैं बस वहीं पर उसे स्टेप करता जाएगा, एजी बनाता जाएगा। और तो डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए इन्फॉर्मेशन, जैसे मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा एज करना है, थोड़ा यहाँ एज करना है, तो आप एज कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा एज पे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, यही तो बात है, गलती करके सॉरी करो, कहानी खत्म। तो आप जैसे देख रहे हैं इसका नोज को भी मैंने थोड़ा सा एज बात कर दिया है, लाइक। ठीक है, और यहाँ लेग्स को भी थोड़ा सा कर लेते हैं एज, ये देखने के ब्रश को थोड़ा छोटा करें एज, तो एज। अभी मैं इसमें वो नहीं देख रहा कि इसमें जो इसका जो फील है वो स्कोर्स इसमें मार्क किए हुए हैं, जो लकीरें हैं वो खत्म हो रही हैं, मैं उसको अभी फॉलो नहीं कर रहा, मैं जस्ट अभी स्ट्रोक्स आपको दिखा रहा हूँ। देखने के तो आप एज एक अच्छा निकाल सकते हैं इसमें। एक फ्लो अच्छा निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी मैं एज कर सकता हूँ। तो ये मैं किससे कर रहा हूँ, डायनामिक्स से कर रहा हूँ, स्मूथ शिफ्ट के साथ करेंगे स्मूथ। ये भी एज ही करना है तो यहाँ पे एज ही करना चाहिए, बाकी स्मूथ। तो आप देख रहे हैं एक अच्छे एज कटते हैं, तो एज वगैरह वगैरह आप मार्क कर सकते हैं। तो खैर, इसमें मैंने आपको जो एक टूल दिखाया है, इसमें तो ये बनाए बनाए है चाइसूल जिसे हम कहते हैं, और देखते हैं इसमें कुछ इस पे टूल्स हैं जो कि आपके स्कल्पिंग में काम आएंगे, जहाँ पर आप कहते हैं ट्यूब्स वगैरह दिखाने हो, वो उस तरह की चीज़ें, तो वो भी आपके काम आएंगे। अब वो क्या है वो ज़रा समझते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें इस पे, उसी को मैं दिखाने वाला हूँ इस पे। तो यू मूव टू पी पी, तो इसमें एक आ जाता है आपके पास पिंच। अभी तो मैंने पॉलिश करके दिखा था पिंच, तो ये पिंच पहले दिखा दूंगा आपको। तो पिंच जाहिर है ये एजेस को ही पिंच करेगा, जैसे ये जो एज आप देख रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर मार्क करूंगा तो ये पिंच कर रहा है उनको, तो इकट्ठा कर रहा है, ये देख रहा है शार्प कर देता है, तो एजेस को शार्प करने के लिए है ये पिंच। जैसे यहाँ पे भी मैं अगर करूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उसके नोज के एज को ये पिंच कर रहा है, शार्प कर रहा है। ठीक है, ज्यादातर जो ब्लेड्स हो गए आपके कुल्हाड़ी वगैरह के या एक्स के ब्लेड्स हो गए, तो आप उन्हें पिंच कर सकते हैं, पिंच। ओके, और देखते हैं इसमें, तो जो मेजर अभी आपके काम आएंगे वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, डैम स्टैंडर्ड तो मैं आपको बता चुका हूँ, डैम स्टैंडर्ड तो इस तरह के स्ट्रोक्स वगैरह के लिए है। ठीक है, ऐसे स्ट्रोक्स, और ज्यादातर ऐसे स्ट्रोक्स हम आई वगैरह बनाने के वक्त काफी यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डाइल्यूट हो रहा है आई,
रिंगटोन चेंज कर। ऐसा लग रहा मंदिर में आ गया मैं। अच्छा तो आप देख रहे हैं मैंने ये ब्रीफ कर दिया आई को, है ना, थोड़ा सा स्क्रू कर दिया। तो ये डांस कंडक्टर है, तो आप अगर ऑल्ट की दबाकर करेंगे, ऑल्ट की, तो ऊपर की तरफ आए। हाँ मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, तो हाँ जी, क्वाइट प्लीज। हाँ जी, क्या बात हो गई? तो डैम स्टैंडर्ड आपके इस काम आएगा, जहां पर आपको देख रहे ग्रूव्स वगैरह ऐसे दिखाने हो रहे हो, ठीक है, ऊपर की तरफ भी ऐसे कुछ स्ट्रोक्स दिखाने हो, ऐसे लाइक ऐसे स्ट्रोक्स दिखाने हो, ठीक है, तो आप वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डैम स्टैंडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रश, और देखते हैं इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है भी। पिंच हो गया, पेंच हो गया, पेन हो गया, और देखें क्या है, डेको कर्व। डेको कर्व क्या है, आपने जैसे ये मार्क किया है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आ गया। आप इस कॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे, तो कॉर्ड साथ में मूव करता देखेंगे। डेको कर्व ये ज्यादातर फ्लैट सरफेस के लिए है, इस तरह के कर्व्स के लिए नहीं है, वो तो प्रॉपर उस पर आएगा नहीं। मैं इसका थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ। तो आपने डेको कर्व मार्क किया है, ठीक है, जैसे रिलीज करेंगे ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप ये जो पॉइंटर्स हैं इसके साथ आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको जैसे मूव करेंगे वैसे आएगा। बट ध्यान रखना ये फ्लैट सर्फेस के लिए, आपको थोड़ा सा नक्काशी वगैरह करनी हो वो, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपने इनिशियल इंटेंसिटी कितना रखा हुआ है, उसी हिसाब से वो डेको कर्व काम करेगा, ठीक है। डेको कर्व देखें ऐसे स्ट्रोक्स, ये देखें, तो इस तरह के स्ट्रोक्स वगैरह मैं मार्क कर सकता हूँ। देखें फिर किसी के चेहरे पे दिखाने हो, यू नो, तब भी आप कर सकते हैं, या नक्काशी वगैरह करनी हो तब भी कर सकते हैं। अभी ब्रशेज हम देख रहे हैं, देखते जाइए सर। तो डेको कर्व ये भी काफी बढ़िया है ब्रश, और अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करके करता हूँ तो ये अंदर भीतर की तरफ जाएगा। इंटेंसिटी कितनी है वो डिपेंड करता है, जैसे और देखो मैं ऑल्ट की करके कर रहा हूँ, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। तो आप इस तरह से आप नक्काशी वगैरह भी आप कर सकते हैं इसके साथ ऑल्ट की, और फिर स्मूथ वगैरह कर सकते हैं उसके लिए स्मूथ। तो दिस इज डेको कर्व, और स्मूथ कीजिए उसे, डिजाइन वगैरह कुछ ऐसा से आप चीजें बना सकते हैं डेको कर्व, ठीक है। और देखते हैं इसमें, इसमें जो आपके काम आने वाला है दिस वन फॉर्म सॉफ्ट, ये आईज बनाने के बहुत काम आता है। मैं जब आपको आईज बनाना सिखाऊंगा, हम जब हेड बनाएंगे तब आप देखेंगे ये बहुत काम आता है। अभी जब आप इसे यूज करेंगे आपको लगेगा घूमड़ा हो गया, देखो ठीक है, सॉरी ये घूमड़ा हो गया, बड़े आईज बनाने के काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टूल, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। और ऑल्ट की करेंगे ऑफकोर्स अंदर की तरफ डेंट करेगा वो, यू नो, विदाउट ऑल्ट करेंगे तो बाहर की तरफ करेगा। इंटेंसिटी कम है इसलिए नहीं दिखा रहा, आप देखेंगे, ठीक है, तो बड़ी जल्दी आ गए तो चलो बैठो, जल्दी बैठो यार। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। बाकी इसमें एक ब्रिजिंग वाला है, ये अलग से है थोड़ा सा, आपको एरिड मेश, इसमें एरिड मेश भी है,
तो उस वक्त मैं बताऊंगा कैसे करना है। आप मेश के साथ जब आप थोड़ा काम करना शुरू करेंगे ये उस बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टूल अगेन। ठीक है, और देखते हैं इसमें फोल्ड एक आता है, फोल्ड, तो फोल्ड नाम से ही है। ये देखेंगे स्किन को फोल्ड करना, देखें ये देखें फोल्ड करना, पलटना स्किन को, थोड़ा ड्रैग करेंगे, देखें उसका स्कोर फोल्ड कर दिया, देखिए ये रहा। उसका स्मूथ करना जरूरी होता है, मींस थोड़ा सा कर्व कर देना, तो मेरे ख्याल से थोड़ा अंडू करना चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें हो गया, टक 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 टक, सब हटा दो। ठीक है, अब देखें आप फोल्ड, फोल्ड, तो फोल्ड एक बार करने के बाद आपको उसको स्मूथ करना जरूरी है। देखिए शेफ के साथ मैं फोल्ड कर दिया, दिस इज फोल्ड, समझ आया? तो फोल्ड जो भी आप ब्रश मार्क कर रहे हैं जरूरी है कि वो फाइनल है। जैसे आपने देख रहे हैं यहाँ पे पहले फोल्ड किया इसको, तो स्टार्टिंग में बड़ा वियर्ड दिखाएगा बट उसे स्मूथ करना ही होता है। ये देखेंगे आप, तो आया, तो अब आप इसे स्मूथ करेंगे, क्योंकि मेश बहुत कम है ना, अभी मेश कम है, और अगर आप मेश थोड़ा ज्यादा करते हैं इसका देखेंगे आप, कंट्रोल डी आपने मार्क किया, कंट्रोल डी वंस मोर, तो सब डिविजन इसके कितने हो गए, 3, 5 तक मत ज्यादा खींचेगा, 5 है आप लास्ट स्टेज होती है, बिल्कुल लास्ट। ठीक है, अब आप इसे फोल्ड करेंगे, आप देखेंगे ये फोल्ड आया, आप इसे थोड़ा स्मूथ कीजिएगा, ठीक है, तो स्मूथ करेंगे तो आपको समझ में आएगा, दिस इज फोल्ड। तो अगर इस तरह का कोई मेश को कोई करना चाहे तो मैनुअली तो होगा नहीं, इसलिए उन्होंने फोल्ड ठीक दिया होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत ही रेयरली काम आती है चीजें, वेरी रेयरली, वेरी रेयरली। मेन जो ब्रशेस हैं मैंने आपको बताया था कौन कौन से हैं, क्ले के सारे हैं, क्ले ट्यूब है आपका, और डैम स्टैंडर्ड है, क्ले बिल्डअप है, ठीक है, पिंच है, स्टैंडर्ड है, स्मूथ है, ट्रिम डायनामिक है, ट्रिम अडेप्टिव है, ठीक है, और डेको है, दिस इज डेको, डेको बेसिकली नॉइज वगैरह जनरेट करने के लिए, दिस इज डेको। तो डेको जब आप करते हैं जैसे ऑन करेंगे यहाँ पे एक अल्फा ब्रश स्टार्ट हो जाता है, देख रहे हैं, देखिए अल्फा अल्फा ब्रश आ गया इसमें। तो अभी जो आप बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं, डॉट्स पे बना रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रोक पे डॉट्स आ जाते हैं, तो डॉट्स की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे फ्री हैंड कर सकता हूँ, तो अभी ये फ्री हैंड हो गया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और ये आपका ड्रैग है, ड्रैग क्या करता है, आप ड्रैग करेंगे तो आपको वो अल्फा ब्रश नजर आएगा, देख रहे ना, ये वाले अल्फा ब्रश, तो ड्रैग है यहाँ पर, आपका स्प्रे है, आप स्प्रे कर सकते हैं, देख रहे हैं, ठीक है, आप इसकी इंटेंसिटी कम कीजिए और स्प्रे देखो इसका, ये देखो, तो देखो किसी का स्किन दिखाना हो, एनिमल स्किन दिखाना हो किसी का, यहाँ हो जो भी है, तो मैं इसके साथ कर सकता हूँ इसको, ब्रश अल्फा, ठीक है। और देखें इसमें, और ये स्प्रे दो तरह के, एक कलर स्प्रे है और एक सिंपल कलर, एक सिंगल कलर और मल्टीपल कलर, ये जब पेंट पूल में आएंगे तब आपके काम आता है स्प्रे करना। फिर ड्रैग है, ड्रैग में आपका क्या करता है देखेंगे, इंटेंसिटी में थोड़ी बढ़ा रहा हूँ इसकी, मैं ब्रश साइज थोड़ा छोटा करें, ड्रैग, देखिए ये ड्रैग, ठीक है, दिस इज ड्रैग, ड्रैग स्ट्रोक, मास्क के ऊपर भी कर सकते हैं हम प्रो, तो अल्फा आप चेंज भी कर सकते हैं, ये देखें ये सारे अल्फा ब्रशेस हैं। अगर आप यहाँ पे ड्रैग स्ट्रोक कर रहे हैं या कोई भी आप मार्क कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसमें करता हूँ, इसे डॉट्स में करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर अल्फा ब्रश मार्क कर लेता हूँ, लेट्स से विच वन, दिस वन, ठीक है, तो अब जो मैं ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ अजीब सा आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये डॉट्स बहुत नजदीक है, ये डॉट्स बेहद नजदीक है। और देखें अगर इसका एक्चुअल में देखें, इसे मैं ड्रैग करके देखता हूँ, इसे तो ड्रैग करेंगे तो बिल्कुल बराबर आ रहा है, देख रहे हैं, बट मेश कम है इसे काफी रफ आ रहा है, तो इसे बढ़ा देते हैं मेश को, कंट्रोल डी, मैंने एक और बड़ा ऐसे मार्क कर दिया इसको, एक्स हिट कर दीजिए सिंगल उसके लिए, देख रहे हैं ये आ गया, ठीक है, ये वाला स्ट्रोक आ गया, बट ये मेरे को चाहिए किसके अंदर, डॉट के अंदर चाहिए और स्पेस के साथ चाहिए। तो अब क्या करेंगे आप स्ट्रोक पर जाते हैं इसके, इसमें स्ट्रोक, ठीक है, सॉरी स्ट्रोक, तो आपको यहाँ पे मिलता है लेजी माउस, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, तो ये इसके लेजी स्टेप्स है, लेजी स्टेप्स अगर मैं बढ़ा देता हूँ
तो आप देखेंगे मैंने बहुत ज्यादा खींचने पे भी कितनी दूरी पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, एक वहां आया, एक वहां आया, 1 2 3 4, क्योंकि लेजी स्टेप्स मैंने बहुत बढ़ा दिए, जैसे आप लेजी हैं, ठीक है, तो मैं लेजी स्टेप्स थोड़े कम कर देता हूँ, आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, ये देख रहे हैं अब आ रहे हैं ना, इसमें देख रहे हैं, एक एक करके थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर, थोड़े से डिस्टेंस पे आ रहे हैं, ठीक है, आपको सब बताया जाएगा कि ये स्पिन कर रहे हैं, मैंने स्पिन कैसे रोकूं, ये कैसे करूं, वो सब चीजें, अभी हम ब्रशेस को समझ रहे हैं, हम टेक्निकलिटी की तरफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ये लेजी स्टेप आप यहां से उसे कर सकते हैं कम या ज्यादा, तो ये तब काम आता है जब आप चेन बनाते हैं, कोई चेन जैसा आपको चेन बनानी है, तो चेन का हमारे को बस एक अल्फा चाहिए, बाकी ड्रैग करते जाओ वो चेन बन जाती है, जिपर वगैरह हो गए, वो सब चीजें, तब ये बहुत काम आता है, ठीक है, स्टिचेस हो गए, जूते के जो स्टिच होते हैं, कपड़ों के स्टिच होते हैं, तब ये बहुत काम आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक अल्फा ले लेते हैं और उसको बस ड्रैग करते जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये राउंडेड ले लिया, तो अब मैं इसे ड्रैग करूंगा, तो आप देख रहे हैं ये राउंडेड बन रहे हैं, नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंटेंसिटी कम है, मैं थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ ताकि आप देख सके, और ब्रश साइज भी छोटा किए रहते हैं, अब देखेंगे, अब ये देखेंगे, ठीक है, तो मैं ऐसे उसके स्टिचेस वगैरह, मेरे को ऐसे काम मिल जाए, मैं स्टिच बना सकता हूँ इसको, इंटेंसिटी 100% अभी, तो मैं आराम से वो स्टिचेस बना सकता हूँ, समझ गए, तो फटाफट फटाफट आप ये काम कर सकते हैं, तभी आपके अल्फा काम आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, डेको कर रहे थे, और खैर ब्रश टाइप इज डेको, तो इसका अपना ही जो है डेको का अपना ही एक अल्फा ब्रश होता है, जो आपने देखा था डॉटेड में है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, और देखते हैं इसमें जो आपके ब्रश काम आने वाले हैं, फिर IMM पार्ट्स आते हैं इसके, IMM पार्ट्स ये देख रहे हैं, हेयर IMM पार्ट्स, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया ही था, हाँ ये हो गया, ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको, हाँ हैच पैक ट्रैक ये देखते हैं, बड़ा कीजिए इसे, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ये स्क्वायर के अंदर आपको मार्क कर रहा है, क्यों, ये भी अल्फा के साथ काम करता है, कैंसिल इसे, ये भी अल्फा के साथ काम करेगा, तो जैसे मैंने मान लीजिए ये मैंने मार्क कर दिया लाइक दिस, तो ये थोड़े स्क्रैचेस वगैरह दिखाने के लिए काम आता है, बट इसके लिए आपके पास अल्फा क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, जैसे देखें स्टार्स देख रहे ऑल्ट के साथ करेंगे तो ऐसे देखेंगे, वो होंठों के भी हो सकते हैं, होंठ सूखे होंठों के उधर होते हैं ना, तो होंठों के ऊपर हम इसी को दिखाते हैं, इसी के साथ दिखाते हैं, तो है ना, तब आप इसका काम कर इसे इसे काम कर सकते हैं, बिना ओल्ट के करेंगे तो बाहर की तरफ, ओल्ट के साथ करेंगे तो अंदर की तरफ, या किसके स्कार्स वगैरह हो सकते हैं, तो मैं इसमें दिखा सकता हूँ, हाँ जी क्लियर है, तो ये हम ब्रशेज देख रहे हैं जो आपके अभी काम आने वाले हैं इसमें, ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा मेरे को मास्किंग के अलावा और भी कुछ चीजें देखनी है, आप देखेंगे मैं कंट्रोल शिफ्ट 2 दबा रहा हूँ और मैंने इस पे क्लिक कर दिया, देख रहे, और बाहर मैं ये क्या हुआ है कि इसने उसको एक तरह से हाइड कर दिया, अगेन मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबाया, फिर से मैंने किया, अब दूसरी तरफ का आ गया, देख रहे, क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएगा, हिडन, मेरे को हाइड करना है, जैसे मेरे को सिर्फ इस पे काम करना है तो मैं इसी पे काम करूंगा, काम कीजिए, काम हो गया तो आप क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे तो अनहाइड हो जाएगा, समझ गए, फिर से देखो आपने ड्रॉ किया इसे, ये बाकी हाइड हो गया, अब मेरे को दूसरा करना है, अनहाइड करना है, फिर ड्रॉ कर दो तो दूसरा आ जाएगा, फिर ड्रॉ कर दो पहले वाला आएगा, ड्रॉ कर दो आ जाएगा, बार क्लिक कर देंगे तो अनहाइड हो जाएगा, समझ गए, तो आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक, मास्किंग का तो मैंने आपको बता दिया था, मास्किंग का कैसे करना है, आपको कंट्रोल की प्रेस करेंगे, दिस इज मास्क, ये देखा है मास्क, मास्क को इन्वर्ट करना, आप सिर्फ कंट्रोल की दबाएंगे और बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो इन्वर्ट हो जाता है, आप उसे मूव कर सकते हैं, ये देखते हैं, आपने मूव किया, अब आपको मास्क नहीं चाहिए तो एक बार बाहर ऐसे ड्रैग कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप क्यू करेंगे, आप क्यू करने पे किस पे आ जाते हैं, आप क्रिएशन मोड पर आ जाते हैं, ठीक तो ब्रशेस में आप कोई भी स्टैंडर्ड या स्मूथ ले लो जो भी है, और ब्रश को बड़ा करो, आप इसे स्मूथ कर सकते हैं, स्मूथ ब्रश, ठीक है, बट आप देखेंगे इसमें एक चीज के जो मैंने इस पे अभी काम किया है, इसका अगर मैं मैश देखो तो मैश तो इसका टोपोलॉजी खराब हो गई, देख रहे हैं ना, यहाँ से बीच में तो एजेस ही नहीं है, यहाँ पे, ठीक
और नीचे देखेंगे नीचे एजेस नजर आ रही है, कैसे से प्रॉपर इसके आपके आपको स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, बट दी स्क्वायर्स आर नॉट हेयर, क्यों खींचा गया है ना इमेज? हाँ जी नजर आ रहा है कुछ? तो इसको मेरे को ऑर्गेनाइज करना है, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक टूल आता है जिसे हम कहते हैं जी रीमेशर, जी रीमेशर, उसको रीमेश करना। आप इस पर क्लिक कर देंगे, देखेंगे यहाँ पे भागेगा ये। तो जी रीमेशर, जब भी आप किसी मेश को स्ट्रेच करते हैं, चेंजेस करते हैं, उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज करना। पर ध्यान रखें बहुत ज्यादा हैवी मेश के साथ काम ना करें इसमें, ये इनिशियल स्टेजेस पे होना चाहिए। देखो हमें प्लान करना होता है, आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइज हो गया सारे, अब स्क्वायर्स आ गए ना इसमें, देख रहे हो? ओके, ये देख रहे हैं ऑर्गेनाइज हो गया, अब ये स्मूथ करेगा, देख रहे हैं स्मूथ भी अच्छे से करेगा, देख रहे हैं आर्ट इज स्मूथ, ठीक है, अब ये स्मूथ भी अच्छा करेगा। तो मैंने उसे ऑर्गेनाइज कर दिया, देख रहे हैं जुड़ गया वो, बीच में से जुड़ गया। शिफ्ट एफ कीजिए, अब आपको प्रॉपर इसमें पॉलीगन्स नजर आ रहे हैं। हाँ जी समझ गए। तो ऑर्गेनाइज करना फिर से देख लीजिए, मैं इसे अलग से बता रहा हूँ आपको फिर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या किया, कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ मास्क बना दिया, और अगर मैंने यहाँ बनाया तो यहाँ के लिए बना क्योंकि ये हमारा मिरर ऑफ था। तो एक बार मैं दोबारा हटा देता हूँ और एक्स हिट कर दीजिए, और अब मैं बनाता हूँ इसमें, तो ये मैंने इसमें मास्क बना दिया, ठीक है। देखें जरा इसे दोनों तरफ आगे, अब कंट्रोल से मैंने क्लिक किया, ये आ गया। अब आप क्या करते हैं स्केल, स्केल, तो मैं इस एक्सिस पे मैंने स्केल कर दिया, ये खिंच गया, खिंचने पे ये खराब हो गया, सारा खराब हो गया ना। तो एक बार आप बाहर आ जाइए, ठीक है, बिल्कुल मास्किंग से क्या करेंगे, जी रीमेशन, ये ऑर्गेनाइज हो गया, देख रहे हैं तो ऑर्गेनाइज हो गया। अब आप उसे दोबारा उसे स्मूथ कर सकते हैं, जो पाम की फिंगर्स ऐसी निकलती हैं, पाम आपका बस पहले बनता है, तो ये जो आगे जो है ये मास्क करने होते हैं, समझ गए, तो मास्क से खींचनी पड़ती है फिंगर्स। तो गर्दन भी ऐसी निकाली जाती है सर की, वो मास्किंग के थ्रू करके फिर उसे दोबारा रीऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप उसे फिर जो भी आपको स्कल्प्ट करना हो करना स्टार्ट कर देंगे, उसमें आप जो भी आपको सॉफ्ट कर दीजिए, बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाता है। हाँ ये खराब आ गया, यहाँ से गलत कट रहा है, तो इसको मेरे को ठीक से करना है, इसको कट करना है इसको। अब और टूल्स देखते हैं, काफी इम्पोर्टेंट। आप आते हैं यहाँ पर, आपको देखो नीचे मिलेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिम टूल्स। पहले मैं इसको दिखाना चाहूंगा आपको, ट्रिम लैसो है, ट्रिम रेक्टेंगल है, अलग अलग है। तो ट्रिम लैसो कर्व टूल मैंने उठा लिया इसमें से। अब ये कुछ मैसेज आ रहा है कि भाई आपको कंट्रोल शिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए, कंट्रोल शिफ्ट देखेंगे। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो आप देख रहे हैं एक लाइन आ रही है, इसका जो उस पर ग्रेडियंट बन रहा है, देख रहे हैं ग्रेडियंट नजर आ रहा है ग्रेडियंट? तो जिस तरफ का ग्रेडियंट बन रहा है उस तरफ का हिस्सा उड़ जाएगा, समझ रहे ना? तो आपको ये देखना है आपका ग्रेडियंट किस तरफ आ रहा है, ये करना है, हाँ ऐसे करना है, देख रहे ना? तो ऐसे काटना है, हाँ बिल्कुल ये ऐसे काटना है, समझ गए जी? तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं उसको। तो आपने ऐसे किया, देख रहे हैं ग्रेडियंट इस तरफ करेंगे, इस तरफ कटेगा, तो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ऐसे। हाँ जी क्लियर है? तो आप एक अच्छे वे में उसे कट कर सकते हैं, समझ रहे हो? फ्लैट। तो उसी तरह आपके इसमें और भी आते हैं इसके अंदर, दैट इज आपका सर्कुलर, आप सर्कुलर वे में भी कर सकते हैं, ट्रिम ट्रिम सर्कुलर, ओके। तो कंट्रोल शिफ्ट में दबाया, ये रहा ये सर्कुलर आ गया, देखा है? तो मैं अगर इतना करूंगा तो उतना कट गया, देखा है? इतना करूंगा तो उतना कट हो जाता है, हाँ जी क्लियर है? देखा है? उसके अलावा इसे दोबारा इसे आप जी रीमेशर कर सकते हैं, जी रीमेशर, क्योंकि यहाँ का टोपोलॉजी अलग है, वहां का टोपोलॉजी अलग है। तो अब देख रहे हैं जी री मेशर के साथ टोपोलॉजी एक ही हो गया, देख रहे हैं? बहुत ही ऑर्गेनाइज है, एकदम मस्त। आप उसे दोबारा उसे स्मूथ कीजिए और जो भी आप काम करना कर सकते हैं। हाँ जी क्लियर है? ब्रशेस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, और देखते हैं इसमें कुछ चीजें। फ्लैटन, सिंपल फ्लैटन करने के लिए ये देखा सरफेस, बिल्कुल उसी की तरह है, ट्रिम आपका ट्रिम की तरह है, फ्लैटन कुछ सिमिलर आपको मिलेंगे काफी हद तक चीजें, ठीक है। और क्या है इसमें, एक्सट्रूड प्रोफाइल, तो प्रोफाइल को एक्सट्रूड करना, ठीक है,
अगर मैं ये देख रहे हैं, दिस इज एक्सट्रूड प्रोफाइल, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कुछ प्रोफाइल बनती जा रही है। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसके लिए मेरे ख्याल से वक्त आ गया है एक अलग से सर्फेस लेना, बहुत ज्यादा काम हो गया इस पर। तो इसे दोबारा हम स्फीयर पे लेकर आते हैं, कंट्रोल डी, बार बार कर देता हूँ इसको मैं, थोड़ा छोटा कर लीजिए इसे, और अब ड्रैग, ठीक है ठीक है। अच्छा अब कुछ मैसेज आ रहा है, कह रहे जी आप इसे पहले इसके लोअर और हायर सब डिलीट कर दीजिए या इसे फ्रीज कर दीजिए। तो मैंने हायर और सब कुछ मैंने हटा दिया है, तो अब मैं इस पे काम करता हूँ, ठीक है। देखिए जी, ठीक है, तो ये लेयर कुछ इस फॉर्मेशन में आती है, ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इसे जो बना रहा हूँ इसके साथ, और मैं डिजाइन चेंज कर लेता हूँ, जैसे दिस वन, तो अब आप ड्रैग करते हैं इसको समथिंग लाइक दिस, तो उसी फॉर्मेशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सरफेस पे रहेगा, सिर्फ ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहेगा, और उसके लोड्स के साथ आप उसे कैरी कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, आप उसे कैरी कर सकते हैं। फिर से देखेंगे आप, मैंने ये स्ट्रोक मार्क किया लाइक दिस, अच्छा मैंने अंडू कर दिया था, सॉरी, डिलीट करो इसका लोअर, मैं भी डिलीट कर दो, यस बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ये आपने ड्रॉ कर दिया, अब इसके नोड्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं दिस दिस नोड, तो इसको आप कैरी कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा मूव करें इसे, ओह पेंट बन गया, सॉरी पेंट बन गया, कोई नहीं, उसको यहाँ से ठीक कर सकते हैं आप। लेयर आप क्या करेंगे, क्लियर लेयर, ठीक है। तो कई बार आपका जो है वो पेंट बन जाता है जब वो एल्गोरिदम नहीं कर पाता, वो पेंट में कन्वर्ट हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, लेयर में जाकर जो भी पीछे पेंट हो जाता है उसे क्लियर लेयर कर देंगे, लेयर क्लियर लेयर यहां से करेंगे उसे, इनकेस जब वो पेंट बन जाता है तो करेंगे आप, ठीक है जी, ठीक है जी। आप स्टार्ट करते हैं इस पर, फिर से उसी को कर रहा हूँ मैं, एक्सट्रूड, सब डिविजन्स, ठीक है, अभी भी हायर रहती है, सॉरी डिलीट हायर, ये आ गया। और इसके जो आप नोड्स हैं इनको आप मूव कर सकते हैं, दिस दिस नोड ले सकते हैं, ये तो ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और इसे मूव कर सकते हैं, देख रहे सरफेस के ऊपर उसे मूवर कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं, और कहाँ तक चाहिए आपको, स्ट्रेच कहाँ तक करना है, सॉरी ये तो मूव हो गया, यहाँ से करेंगे इसको, ड्रैग करेंगे, दिस इज स्ट्रेच, ठीक है, तो दिस इज स्ट्रेच, ऑफ कोर्स थोड़ा सा कर्व फ्लैट सरफेस के ऊपर करें वो ज्यादा बेटर है, और कर्व के साथ करना है तो आपको बीच में से भी यहाँ से उठाना पड़ेगा, देख रहे हैं आप यहाँ से भी उठा सकते हैं इन केस, तो आपको किसी के आसपास वर्कआउट करना हो, उसको एच देनी हो, तो आप इनके थ्रू करेंगे आप, तो अलग अलग इसकी शेप्स हैं, देख रहे हैं, ये ज्यादातर हार्ड सर्फेस के लिए आता है, ऑर्गेनिक के लिए कहीं पर भी नहीं है, दिस इज ओनली फॉर हार्ड सर्फेस, ठीक है। या फिर जैसे आप देखें इसमें मैं एक और बात कर रहा हूँ इसमें, लेट्स से दिस वन, ठीक है, डिलीट फायर, तो ये आ गया, देखे हैं, ठीक है, ये एक जिपर भी हो सकता है, या जैकेट का जो एज हो वो भी हो सकता है, ठीक है ना, तो उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, बट मैं फिर बता रहा हूँ अगर ये फ्लैट सर्फेस ज्यादा हो तो उसमें ज्यादा बेटर वे भी होता है, अदरवाइज आपको सेंटर से उसको एलिवेट करना होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी जरूर है, बट इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा आपको, थोड़ा हैंड इसमें हैंडी होने में, तो आप ऐसे उस जो भी है सरफेस के ऊपर अरेंज कर सकते हैं, एक लेयर बना सकते हैं, तो ये भी एक ब्रश है बेसिकली, और देखें कौन से ब्रशेस हैं, ओके नेक्स्ट एक और ब्रश हम देखेंगे इस पे, फोल्ड तो हो गया था, फॉर्म सॉफ्ट हो गया, मास्क वो तो मैंने बता दिया आपको, स्मूथ हम कर चुके हैं शिफ्ट के साथ, ठीक है जी। अब
कुछ और चीजें देखते हैं। आती है कि हम स्क्रिप्ट कैसे करें, क्या बनाएं हम इसमें। तो शुरुआत करते हैं हल्की फुल्की चीज के साथ, आप थोड़ा समझें उस चीज को, ध्यान दें। अभी मैंने कोई भी इसमें डिवाइड नहीं किया है, इसमें देखें नथिंग इज डिवाइडेड, ठीक है। तो अब मेरे को इसको एक हेड की शक्ल देना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फ्रंट पर आ जाता हूँ फिर, ठीक है। और फ्रंट पे आपके जो एक्स एक्सेस जो है मिरर होना चाहिए, ब्रश आपका मिरर होना चाहिए, ठीक है। आप आ जाते हैं कहाँ पर, आप आ जाते हैं मूव टोपोलॉजिकल, या फिर आप क्या करेंगे बीएमटी, या बीएमटी। और मैंने ब्रश को थोड़ा बढ़ा दिया इसमें देखेंगे, और मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया, और ये समझ लीजिए चिन हो गया उसका। यहाँ से आते हैं खोपड़ी को थोड़ा सा पिचका देते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा लेफ्ट पर आता हूँ, ये कुछ ऐसा लगेगा, थोड़ा ऊपर करो इसे। ओके, मैंने ब्रश से थोड़ा छोटा किया। देखो जी, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, ये जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनिक वाले हैं वो थोड़े से तैयार हो जाए, जो है ही नहीं आपके बैच में फिलहाल, तो ना ही मेरे को हवा को बढ़ाना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे हम लोग, स्मूथ स्मूथ। मैं आपसे अभी खोपड़ी भी बनवाऊंगा, चिंता मत करो, खोपड़ी, ठीक है। तो अभी हम बेसिक हेड तैयार कर रहे हैं, तो आपको उसको बिल्कुल शक्ल वैसी ही देनी है खोपड़ी की तरह ऑलमोस्ट, देखेंगे। शेफ के साथ स्मूथ थोड़ा सा, यहाँ से चिन हो गया, ये जबड़ा हो गया है ना। यहाँ से काम करेंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा बाहर निकालें, ये जॉ लाइन है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा, है ना, हल्का सा। हाँ, पहले एक गर्दन निकाली जाए इसके लिए, मजा नहीं आएगा सर, क्यों। चलो एक गर्दन वही मास्क के साथ करने वाला है, तो अभी जो आपने टूल देखे थे अब मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो अब मास्क के साथ मैं इसको शेड कर लूंगा जहां मेरे को गर्दन चाहिए। मास्क अगर हटाना हो तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए कंट्रोल और शिफ्ट को दोनों को दबाएंगे, ठीक है, और मास्क को वहां से हटा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ मास्क बनाएंगे, ठीक है। आपको मास्क की जो एजेस हैं सब आएगा, कि सॉफ्ट कैसे करनी है, हार्ड कैसे करनी है, वो सब आएगा, एकदम इतनी जल्दी नहीं कूदेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ह्यूमन हेड बनाना सिखा रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट ब्रशेस का इस्तेमाल करना आ जाए, ठीक है ना। तो हम ब्रशेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे एक्चुअली। अच्छा, अब क्या है कि इसमें मैंने मास्क तो कर दिया इसमें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल की दबाएंगे, एक बार हिट कर देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। आप मूव करेंगे इसे, ठीक है, ये बाहर की तरफ आ जाता है कुछ ऐसे, ठीक है। इसे थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं, बस यहाँ से इसको डीसेलेक्ट करो इसे, और ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करो, इसे स्मूथ करो, बट स्मूथ से मेरी ये नौबत नहीं जा रही, क्योंकि मेश टोपोलॉजी खराब हो गई है। क्या करेंगे, जी मेश छूटते ही देखा है, ठीक हो गया। शिफ्ट एफ करके देखेंगे, देखा है टोपोलॉजी बिल्कुल ठीक हो गई। अब ये स्मूथ भी बहुत बढ़िया तरीके से करेगा, देखा है, कर रहा हूँ मैं स्मूथ, देखा है। हाँ, यहाँ से स्मूथ कर रहा हूँ, हाँ सर। हाँ, गर्दन को थोड़ा सा बाहर की तरफ करता से, और जी रिमेशर तो आप कितनी भी बार कर सकते हैं,
जहाँ चेंजेस कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं, मैश खराब हो रहा है, मैश टोपोलॉजी खराब हो रही है, अटैक करके लगा दो जी के लिए मैश। कहाँ से स्पोर्ट करो, से स्पोर्ट 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 ठीक है। और थोड़ा सॉरी मैश बड़ा आगे कर से पीछे के अगेन रेस्ट थोड़ा छोटा चेंज का मेरे को बनाना है हिस्सा, ऐसे थोड़ा पीछे 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 यहाँ से थोड़ा खींचो, चिन को खींचो थोड़ा सा नीचे ठीक है। इसे कुशन करो, इसे नीचे लेकर आओ, ये देखने के ठीक है। तो आपको इसमें भी वही चीज है कि आपको हर पहलू से इसको देखना है, जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं यहाँ से भी मेरे को ठीक करना होगा, थोड़ा गर्दन को थोड़ा राउंडेड करना है ना गर्दन को, राउंडेड करना, ये बीच में से हम चॉप कर देंगे जैसे मैंने आपको बताया था ना कट करना, तो कट करेंगे ये नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा गर्दन, तो वो वरी करने की बात नहीं है कि नीचे से गर्दन खराब हो रही है। और इसमें बॉडी, इसमें भी ऐसी है कि बॉडी भी अलग से बनेगी, फिर उनको क्या करते हैं ब्रिजिंग करते हैं, ब्रिज ब्रिजिंग करते थे ना, तो इसमें वही होगा बॉडी अलग, ये नहीं कि एक में से सब कुछ खींचना शुरू कर दो ठीक है ना। और जरूरी नहीं कि मेरा मेरा मेरे हेड में री मेशर वही हो जो नीचे वाले करो, टोपोलॉजी अलग अलग हो सकती है, नीचे डिटेल अलग हो सकता है, ऊपर डिटेल अलग हो सकता है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं अलग से ही इसे बनाऊं ऑर्गेनाइज करूं। तो एक मोटे तौर पे आप क्या करेंगे, पहले इसको बना देंगे और फिर उसका ब्रश वगैरह के साथ काम करना शुरू करें। लीजिए कट कर ही देते हैं इसको, तो वैसे क्या करूंगा इसमें लेट्स ट्रिम लैसो टूल, ओके कंट्रोल शिफ्ट और मैं ड्रैग करता हूँ, देखेंगे आप अगर मैं ऐसे करूंगा तो कट हो गया, देखें ट्रिम लैसो तो ये लिखा है बस एकदम। खैर अब काम करते हैं इसमें और आगे, स्कल्प्ट कर रहे हैं हम लोग और थोड़ा सा चेहरे को, ठीक है। और अब मैं आ जाता हूँ किस पे, मैं आ जाता हूँ क्ले ट्यूब के ऊपर, क्ले बिल्डअप, थोड़ा स्मूथ करते रहे साथ साथ में ठीक है। थोड़ा फोर हेड पे काम करेंगे, फोर हेड थोड़ा उभरा हुआ होता है, फोर हेड यहाँ मैंने थोड़ा सा डेंट कर दिया इसको, वैसे आईज डेंट से नहीं बनती, आईज को बिल्कुल ऊपर ऐसे ही रखें आप, उभरा हुआ रखें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आईज इन्हीं से बनती है, उभरे हुए पोर्शन से ही बनती है ठीक है। जैसे अब नोज है, नोज पे यहाँ पे थोड़ा पाइल अप कर दो थोड़ा सा ठीक है, ये देखिए हेयर। और फिर आप आ जाते हैं इसको मूव टोपोलॉजिकल, थोड़ा सा बाहर कर दें इसको, स्मूथ कर दें इसको थोड़ा सा, थोड़ा सा क्ले भर दो जी इसकी गाले बेचारे के, ठीक है। फिर इस तरफ आते हैं आप, आते हैं इस तरफ आप, आते हैं इसमें ट्रिम डायनामिक, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको सर्कल को, और इंटेंसिटी ठीक है, थोड़ा सा ट्रिम डायनामिक एंड लाइक दिस, ये कटआउट आता है हेड के ऊपर थोड़ा सा ऐसे, ये वाला कटआउट ये आता ही आता है ठीक है। और अगेन मूव थोड़ा सा मूव करो जैसे ठीक है जी। और देखे इसमें नेक्स्ट अगेन हम आते हैं किस पे, क्ले बिल्डअप कंट्रोल डी, अब मैं बढ़ा रहा हूँ इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को स्कल्प्ट करना शुरू करना है और साइज थोड़ा छोटा करें, साइज थोड़ा छोटा करें और शुरू करते हैं। फिर थोड़ा माथे की तरफ आते हैं, क्ले की एक और लेयर, माथा यहाँ से थोड़ा सा गोल सा नजर आता है हमेशा, ये रहेगा रहेगा ठीक है, हल्का सा शेप आ रहा है इसमें,
जैसे स्किन होती है बिल्कुल, उसके फ्रिंज होती है जो, उसके जो झिल्लियां होती है बिल्कुल, आपको वैसे बनाना है उसमें। इसको थोड़ा सा यू रखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिप्स थोड़ा सा उभरा हुआ होता है ना यहाँ पे, क्योंकि नीचे डेंचर्स होते हैं, तो थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाना है यहाँ पे। तो यहाँ चिन है तो चिन को थोड़ा सा डिपॉजिट दे देता हूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा सा चिन को फील आ जाएगा इसमें लाइक दिस। और अब थोड़ा सा डैम स्टैंडर्ड के साथ काम करते हैं, या डैम स्टैंडर्ड थोड़ा सा किया हुआ। शिफ्ट के साथ स्मूथ स्मूथ, तो बस आपको ऐसे बनाना है, तैयारी शुरू कर दीजिए। हल्के हल्के ब्रशेस मैंने आपको थोड़े से बताए हैं, और ईयर का बेस निकालने के लिए वो भी बता रहा हूँ। अब ये नहीं हम कान बनाना शुरू कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ब्रश को टेस्ट करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे काम किया जाता है, थोड़ा सा ब्रश के ऊपर होल्ड करें ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्किन पे ही काम करूँगा इसमें, और कंट्रोल की दबाएंगे, और आपके बिल्कुल आईब्रो के यहाँ पर होगा कान, ये आ गया, स्किन कर दो इसे बिल्कुल, इसको स्किन मास्क लाइक दिस। हेलो, मैं कौन निशान लगाता हूँ यहाँ पर, यू नो थोड़े से ताकि आइडिया रहे। ठीक है जी, मास यहाँ रहेगा, अब इसे मास कर ध्यान देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा रिड्यूस करना हो आप रिड्यूस कर सकते हैं इसे, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर थोड़ा सा रिड्यूस क्लिक करेंगे, बाहर की तरफ ये आ गया ठीक है। आप क्या करेंगे इसमें, अब मूव टूल लेते हैं, मूव और ऑल्ट की दबाएंगे, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पर आ गया ये बटन, तो इसे रीसेट कर देते हैं, फिर से देखेंगे अनलॉक कर दें इसे, आप थोड़ा रीसेट करें यहाँ आगे, अब लॉक कर दें दोबारा इसे ठीक है। अच्छा अब घुमाएं इसको ऐसे, अब मैं क्या करता हूँ इसको स्केल करता हूँ, ये देखें कान बाहर की तरफ आ गए ठीक है, आप इसे रोटेट कर सकते हैं, देखेंगे दोबारा स्केल कर दीजिए, आप रोटेट कर सकते हैं इसको दोबारा स्केल कर, तो थोड़े से उठे हुए कान बन गए इसमें, जो हमारा इनिशियल हमारे को चाहिए चाहिए फिलहाल, डिटेलिंग की बात है। फिर मैंने इसे स्केल किया इसे, अब क्यू आप दोबारा ड्रॉ मोड पे आते हैं, फिर से शिफ्ट से इसको करेंगे आप इसे, फिर जी री मेशर करेंगे, वो सब चीजें ये बिल्कुल आपको डाइल्यूट करना, बिल्कुल मर्ज करना है यहाँ से। आप देख रहे हैं क्योंकि कान ऐसे सरफेस के पास से ऐसे उठे नहीं होते, तो आपको क्या करना होगा इस पर क्ले करना होगा, या तो बिल्ड अ क्ले यहाँ पर क्ले करना होगा, देख रहे हैं फिर उसे आप स्मूथ करेंगे आप उसे। आप बेशक एक स्टेप नीचे आ सकते हैं शिफ्ट के साथ, फिर तो आप देख रहे हैं एक बेसिक मेरे पास एक शेप निकल आती है, और इसे जी री मेशर करेंगे, स्मूथ करने से पहले करेंगे, क्योंकि स्मूथ कर दिया तो ये नीचे दोबारा कोलैप्स कर जाएगा ठीक है ना। जी री मेशर करने के बाद आप इसे, ये एक बेस निकल आया उसका, तो यहाँ से मैं इसे ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, जी री मेशर ये आ गया देखें हेयर, और उसके बाद आप यहाँ से वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे क्ले बिल्डअप कर गया, ऑल्ट की दबाया तो आप ऑल्ट की के साथ ऐसे देखें हेयर कटआउट बनाए उसका यहाँ पे ऐसे, फिर स्मूथ के साथ आप इसे स्मूथ कर लें ऐसे, फिर तो ये ईयर का ब्लॉक निकल आया देखें हेयर, तो ईयर का ब्लॉक निकल आया यहाँ से, फिर उसको बाद में फिर स्कल्ट वगैरह करना अलग बात है, बस आपको ये काम करना और कुछ नहीं करना, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद ब्रशेस अगर आप ऑर्गेनिक में आना चाहते हैं।
ठीक है ना, फिर आगे हम इसको इसमें काम करते हैं। इसके ग्रुप बनाए जाते हैं वो सब चीजें, वो बात की बात है। अभी सिंपल मैंने आपको बताया ब्लॉक कैसे निकाला जाता है, फिर सब चीजों के ब्लॉक निकल आए। थोड़ा सा यहाँ पर आ गया, इसमें मेरे पास आईब्रो रिज बोन का थोड़ा सा एहसास आ गया, यहाँ पर आ गया चिन का, आ गया नोज का थोड़ा सा आ गया, तो मेरे को एक ओवरऑल पता लग गया कि हाँ चीजें कहाँ आई, समझ आए। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर, तो इन ब्रशेस को प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, आज इतना ही काम करो। ठीक है जी, समझ आया कुछ? अभी इसमें एक बैच में इसमें चल रहा है, स्केलिंग पे मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, जैसे ये देख रहे हैं। फिर तो इसके स्किन के ऊपर काम चल रहा है, इसके वो पिगमेंट्स बना रहे हैं, इसके इसमें टाइम लगता है, छोटे छोटे आपको ब्लॉक करके करना पड़ता है सर, इट टेक्स टाइम। फिर आइस का अभी टेक्सचर तैयार करना है, आइस पे काम करना है, बहुत सारा काम है। लिप्स का करना है, लिप्स का अलग शेड होता है,